रिपोर्ट चैनल दे विच आज फिर तो एक महान शख्सियत साढ़े विचकार मौजूद ने, डॉक्टर विजय दसावर जी जो अंबेडकरवादी आगू ने। अज सर सब तो पहला जय भीम जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज दे दिन साढ़े तो जुदा हुए, पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर फिजिकली जुदा हुए, आइडियोलॉजिकली बाबा साहब आज करोड़ों लोगों वसते हैं जी, और करोड़ों लोग बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोअर्स है। ये कल इंडिया च नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्री च जाओ, एशियन कंट्री च जाओ जी, जिथे जिथे भी भारत तो लोग बाहर गए हैं जी, उत्थे उत्थे डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पहुंची है। सो आदमी का फिजिकली चले जाना उन्ना नुकसानदायक नहीं हुंदा जिन्ना आइडियोलॉजिकली जाना हुंदा, और ये बड़ी एक खुशी की गल है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्ना उस समय जो जीते सी शायद उन्होंने लोग घट जानते हो, क्योंकि मीडिया नहीं सी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं सी है, प्रिंट मीडिया उन्होंने उठाता नहीं सी, पर अज उन्होंने बच्चों ने उन्होंने धियां पुत्रां ने उन्होंने फॉलोअर्स ने अज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आकाश की बुलंदी से पहुँचा दिता। और अज फेसबुक ही लिखती है कि पूरी दुनिया के सब तो वध जय भीम हर रोज़ लिखा जाता, सब तो पॉपुलर जिहड़ा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम पूरी दुनिया अज है जी। दसावर साहब अज के दिन बाबा साहब रुखसत हुए, किस तरह का माहौल उस टाइम 1956-56 होया होना देश के, किस तरह के लोग आस्था रखने वाले लोगों की मनोदशा होगी? नानक चंद रत्तू जी बाबा साहब के 25 साल सैकटरी रहे, सो रत्तू साहब दसते हैं और बहुत सारे विवरण मिलते हैं, टीवी तो भी मिलते हैं, दूरदर्शन तो भी मिलते हैं। लखों की तादाद च बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लोग विदा करने वास्ते बॉम्बे दी सड़कां ते सी, और उस समय के जदों कोई मीडिया सानू कोई तरजीह नहीं सी दिंदा, मीडिया साढ़े नाल है ही नहीं सी, क्योंकि मीडिया वैसे भी घट सी जी। अज तो प्राइवेट मीडिया बहुत आ गया जी, सरकारी अपनी जगह पर है। सो लखां लोग उत्थे हाजिर से और करोड़ों लोग पूरे देश रो रहे सी जी, वो इस करके कि उन्हां दा महबूब नेता जा रहा, उन्होंने जीवंदा रखने वाला, उन्होंने पानी पानी देने वाला, विद्या देने वाला, सिक्ख्या देने वाला, समाजिक सतर देने वाला, उन्होंने सियासी जिंदगी देने वाला, उन्होंने धार्मिक आजादी देने वाला, इस भारत की धरती से हर वो आजादी देने वाला जा रहा जो आजादी साढ़े को है नहीं सी, इसलिए ये सुभाविक है कि लोगों का रोना दुखी होना, असं भी दुखी होंगे हैं, पर इस गल का एहसास है कि जो असं बाबा साहब अंबेडकर पढ़ते हैं इस तरह लगता जीते हैं। बाबा साहब ने कहा मैं फिजिकली मर सकता हाँ पर मैं उदो मरागा जिस दिन भारत का संविधान मरूगा, इसलिए मेरे चाहन वाले हो, मेरे देश में प्यार करने वाले मेरे भारत के लोगों, तुम भारत के संविधान को कदे ना मरन देना, और भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों जीवंदा रखना साड़ी जिम्मेदारी है, पूरे देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है, कल्ले SC ST OBC की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश के लोग उसको बचा के रख संभाल के रख, क्यों यही एक ऐसा दस्तावेज है, ऐसा एक पूरे राष्ट्र का ग्रंथ है जिहड़ा सारिया जातं सारे मजहबा सारिया नस्ल सारिया भाषावों कट्ठे रखता है, होर चीज़ा पाड़े पा सकदियां पर संविधान सबू कट्ठे रखता। जो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि समानता का अधिकार दे रहे हैं जी, सब तो समानता का अधिकार सबनों मिल रहा जी, किसी एक कम्यूनिटी को नहीं मिल रहा, वो औरत लिए भी है, वो मर्द लिए भी है, गरीब लिए भी है, अमीर लिए भी है, हरेक तरह के इस देश के बासिंदे इको जहा जीवन सत्र जीण, हुण इह तां सरकारां दा कम है, समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट के रूप च फस्ट फंडामेंटल राइट साडे हथ च है, उन्होंने लागू करना सरकारों का काम है, वो सरकार लागू नहीं कर रही। एक बहुत बड़े विद्वान लेखक ने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर अ सन हू नेवर सनसेट, की कहना चाहूंगा? नो डाउट बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा एक सूरज है और सूरज कदे डुबदा नहीं, वो हर समय चमकदा, धरती घूमती है, इसलिए तरह तरह के मत मतांतर रखने वाले लोग डॉक्टर अंबेडकर के दुआले घूम रहे हैं जी, रात आ जाती दिन आ जाता, और डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी रोशनी है जिसने कदे जाना नहीं है, क्यों? वो सूरज है। अमेरिकन एक्स प्रेजिडेंट बराक ओबामा लिखते हैं जे डॉक्टर अंबेडकर साडे अमेरिका च पैदा होंदा तां असीं उहनूं सूरज कहिंदे। बाबा साहब पत्रकार भी रहे जी, रहे जी, बाबा साहब पत्रकार रहे, बाबा साहब मजदूरों के आगू रहे, बाबा साहब पढ़े लिखे के आगू रहे,
अज जिन्हें भी डैम वगैरह इंडिया च बने सारे बाबा साहब की देन है, जिहड़ा आरबीआई की जिहड़ी स्थापना बाबा साहब की देन है द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज बाबा साहब दे थीसिस जो इसी दे उत्ते है। अज देश की आर्थिकता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है कि अब जो कुछ चल रही है और अपने फंडामेंटल राइट का सही यूज करना और देश नू प्यार करना, देश की संपत्ति नू, देश की धरोहर नू, देश के राष्ट्रीय गान नू, देश के राष्ट्रीय झंडे नू, राष्ट्र की संपत्ति नू कदे भी नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने देश नू प्यार करना, सारे देशवासियों नू प्यार करना, यही बाबा साहब चाहते थे। जो संविधान लिखा सारे ने लिखा वो सारे उन्हें मनन सारे दे खड़न और सारे मिलके सरकारां दे गल च गुठा देन के फंडामेंटल राइट्स लागू करो और असी फंडामेंटल ड्यूटी निभावांगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय दसावर जी जो PhD ने ते लुधियाने दे विच अंबेडकरवादी चिंतक बहुत बहुत विचारधारा दे नाल जुड़े हुए हैं ते असी उम्मीद करते हैं कि लोग उन्हां दी ते बाबा साहब दे संदेश नूं पूरी तरह लागू करेंगे, प्रैक्टिकली अपनाएंगे। सारे का धन्यवाद, देखते रहो करंट चैनल। मैं करंट